मजा क्या कोफ्ते भैया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक। और हमारा नया व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और अभी जो है डिनर का टाइम हो चुका है, क्योंकि जो है आज था हफ्ते का दिन था आज, और असाद मदरसे गए हुए थे, तो अब जो है हम फारिग हुए हैं, तो अब डिनर कर रहे हैं। लाइट गई भी है, फिर जो है लाइट आने वाली है थोड़ी देर में, फिर जो है मैं जाऊँगा शॉप पर, और इस वजह से जल्दी जल्दी खाना खा लें ताकि उन कामों से निमट जाए। और खाने लगा हुए, ये रहा बना हुआ है मटर पुलाव, और असद जो है काम कर रहे हैं मदरसे का। इनकी छुट्टियां हुई थी काफी, तो काफी सारा काम जमा हो गया, अब काम हो रहा है, तो फिलहाल खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों आज बना रहे हैं हम आलू कोफ्ते, तो आलू कोफ्ते के लिए पहले मैं मसाला रख रही हूँ भुनने के लिए। तो ये जो है ना, मैंने मीडियम साइज़ की जो है दो प्याज़े ले ली हैं जिनको पीस लिया है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है ना मेरे पास था नहीं पिसा हुआ, तो इसी के अंदर मैंने डाल के उसको भी पीस लिया है। और ये कुछ साबुत गर्म मसाले हैं, काली मिर्चें हैं, लौंगे हैं, दालचीनी है, दो तीन टुकड़े हैं दालचीनी के छोटे छोटे, और एक ही तेज़पात का पत्ता लिया है जिसको तोड़ दिया है, और बड़ी इलायची है, और ये कुछ मसाले रखे हुए हैं, पिसी हुई मिर्चें हैं, और नमक है, पिसा हुआ धनिया और हल्दी है, और साथ में रखी है दही। दही को मैंने ग्लेंडर मशीन में जो है ग्लेंड कर लिया है, ताकि जो है ना इसमें से जो लम्स होते हैं वो सारे निकल जाए, वरना जो है दाना दाना सा आ जाता है मसाले में। तो दोस्तों चलिए अब जो है मसाला भुनना शुरू करते हैं, तो चलिए तैयारी करते हैं। तो अभी जो है हमारे यहाँ गैस नहीं आ रही है, आपको पता ही है सर्दियों में हर जगह की गैस गायब हो जाती है, तो फिलहाल सिलेंडर के चूल्हे पे मैंने रख दिया है ये पतीली छोटी, और क्या कहते हैं अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑयल, इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, उसके बाद इसके अंदर सारे मसाले ऐड करेंगे। ऑयल हो गया है गर्म, इसमें देखिए बुलबुले उठ रहे हैं, अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं जीरा ऐड कर रही हूँ, तो देखिए दोस्तों जीरा भी जो है हमारा भून गया है, और अब इसके अंदर मैं ये साफ गर्म मसाला डाल दूँ, साथ ही मैं इसके अंदर ये सारी प्याज डाल दूँगी। तो थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा ना प्याज, तो प्याज भी है इसके अंदर और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया दोनों चीज़ें मैंने साथ पीस ली नहीं, तो अब मैं इसको थोड़ा सा जो है ना ब्राउन करूँगी प्याज को, उसके बाद बाकी के मसाले डालूँगी, तो थोड़ा सा चलाएंगे इसको और ब्राउन करेंगे। तो दोस्तों देखिए प्याज का जो है कलर चेंज हो चुका है, थोड़ी सी ब्राउन हो गई है ये, तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसी हुई मिर्च, ये वन टू टू टेबल स्पून जो है मैंने पिसी हुई मिर्चें इसके अंदर ऐड की हैं, क्योंकि जो है अभी कोफ्तों में भी डलेंगी मिर्चें, तो इसलिए इसके अंदर मैंने थोड़ी कम डाली है अभी, और आज जो है संडे है तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, अब इसके अंदर मैं डालूंगी हल्दी, साथ में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ धनिया, ये भी जो है भर के ले लीजिए चम्मच टू टेबल स्पून, साथ में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक, नमक जो है वन एंड हाफ टेबल स्पून डालिए, तो थोड़ा सा भून लेंगे मसाले को। दोस्तों देखिए अभी मसाला भुन रहा है, थोड़ा सा ये मसाला भुन जाए उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही, तो सब इसके अंदर मैं दही ऐड कर रही हूँ, दही डाल के थोड़ा चमचा चला देंगे, और इसको जो है ना लो फ्लेम पे रख देंगे सारे मसाले को भुनने के लिए, काफ़ी देर तक ये भुनेगा, इतने हम लोग जो है ना आज मैं चिकन का कोफ्ते बना रही हूँ, तो चलिए उसका सामान रेडी कर लेते हैं इतनी देर में, और इसको जो है लो फ्लेम पे भुनने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों चिकन ले ली है मैंने, चिकन को मैंने वॉश कर लिया है अच्छी तरीके से, और ये आलू भी कट कर लिए हैं मसाले में ऐड करने के लिए, साथ में जो है मैंने कोफ्ते में डालने के लिए थोड़ा सा जो है चने भी पीसे हैं, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी, और ये है हरा धनिया, और ये मीडियम साइज़ की दो प्याज़ें हैं जिनको थोड़ा मोटा मोटा कट कर लिया है मैंने, चार हरी मिर्चें ले ली हैं, तो
तो चलिए इसको पीस लेते हैं पहले सारे सामान को, फिर दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों कीमा हमारा जो है हमने चॉप कर लिया है, देखिए कीमा बन चुका है उसका, चिकन का। तो अभी जो है मैंने ना इसके अंदर जो है ये मेरे पास ये मैंने पीस लिया था थोड़ा सा, चने पीस लिए थे तो उसका ये बेसन मैंने बनाया, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा बचा लूँगी, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, और थोड़ा सा जो है ना पिसा गरम मसाला डालूँगी, क्योंकि ना मैंने इसमें काफ़ी सारा जो है यानी चार हरी मिर्चें डाली हैं, और फिर जो है ना मिर्चें ज़्यादा हो जाएंगी तो कोई भी नहीं खाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पिसा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ नमक, नमक भी हमने मसाले में देन हाफ टेबल स्पून जो है हमने उसमें डाला है मसाले में, तो अब इसके अंदर जो है थोड़ा सा कम ही ले लूँगी मैं, ये 1 टेबल स्पून जो है मैंने थोड़ा सा और डाल देती हूँ। ये मैंने कोफ्तों में भी नमक ऐड कर दिया है, और इसके अंदर मैं डालूँगी एक अंडा लिया है, ये देखिए एक अंडा तोड़ के डाल देंगे इसके अंदर दोस्तों, एक अंडा भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अब इन सब चीज़ों को ना मैं मिक्स कर लूँगी, मेरे हाथ जो है वॉश कर लिए थे अपने, इसमें से ये चमचा निकाल रही हूँ, देखिए अंडा ये रहा। अब इसको जो है मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी सारी चीज़ों को। तो दोस्तों देखिए इस तरह से मैंने बॉले बनाने शुरू कर दिए हैं कोफ्ते, अब ये मैं बना बना के रख रही हूँ, और मसाला जो है हमारा भुन रहा है, ये उसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं कि मसाला कितना भुन गया है, देखिए तेल छोड़ दिया मसाले ने, मसाला जो है हमारा वो नीचे लग भी रहा है, तो चलिए पहले इसको चला लेते हैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से, मसाला भुन गया, देखिए कितना मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है इसके अंदर से, और मसाले की शक्ल भी बहुत ही अच्छी हो रही है, दही जो है हमारी अच्छी तरीके से इसके अंदर भुन चुकी है। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं इसके अंदर, और हमारे जो है कोफ्ते बन चुके हैं, थोड़ा सा पानी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है जैसा कि आपने देखा है। अब इसके अंदर जो है कोफ्ते ऐड करती हूँ, साथ साथ मसाला भी भुनता रहेगा और कोफ्ते ही पक जाएंगे। तो चलिए अल्लाह का नाम लेके कोफ्ते डालते हैं। तो ये देखिए कोफ्ते हमारे तेरे बन चुके हैं सारे, तो इसे साइड साइड में से हम लगाना शुरू करेंगे पतीली के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर लेंगे। तो उसका देखिए माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते ज़्यादा हैं, तो अभी जो है ये इसी तरीके से पक जाएँ थोड़े से, जब अच्छी तरीके से ये थोड़ा पक जाएंगे ना नीचे से, फिर इसमें चम्मच नहीं चलाना, थोड़ा सा ऐसी पतीली को पकड़ के हिलाऊंगी मैं, तो फिर जो है ये थोड़ा एडजस्ट हो जाएंगे इसके अंदर। तो अभी ये पक जाएँ फिर दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखिए कोफ्ते जो हैं इतना पक चुके हैं, इनको मैंने थोड़ा हिला के और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया था साइड में से, ताकि ना हमारे कोफ्ते अच्छी तरह पक जाएं और ये टूटे नहीं। तो चलिए इसमें आलू भी ऐड कर देते हैं, तो आलू जो है उठा के जो है ना हम जहाँ पे जगह मिलेगी हमें तो हम साइड साइड में डालने की कोशिश करेंगे इनको। तो दोस्तों देखिए जहाँ जगह मिलेगी, तो इसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हमें आलू भी डालने हैं क्योंकि आलू भी इसके साथ ही गलेंगे। तो चलिए इसमें जगह बना बना के ऐड करते हैं आलू। इस तरीके से हम सारे आलू ऐड करते हैं इसमें। तो दोस्तों देखिए इसमें आलू भी मैंने ऐड कर दिए हैं, थोड़ी देर के लिए मैं इनको ऐसे ही पकने दूँगी, फिर देखती हूँ हमारे जो है कोफ्ते पक्के हो गए होंगे, काफ़ी पक गए होंगे अंदर से, तो फिर मैं इसमें चम्मच चलाऊँगी। तो दोस्तों खाना हमारा हो गया रेडी, ये देखिए माशाल्लाह से कितने मज़ेदार और मज़े के हमारे जो है आलू कोफ्ते चिकन के तैयार हैं। अब इसके ऊपर जो है थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे हम, और सब जगह ऐड कर देंगे इस तरीके से डाल देंगे। तो देखें गार्निश भी हो गई है, और कितने प्यारे हमारे जो है आलू कोफ्ते इतने मज़े के तैयार हो गए। तो इनको हम जो है प्लेट में निकाल लेंगे और फिर टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसे बने। तो चलिए, तो दोस्तों चलिए आलू कोफ्ते हम निकालते हैं प्लेट में, ये देखिए बिल्कुल सही बने हैं,
और मैं डर रही थी क्योंकि मैंने भी आज पहली बार बनाए हैं, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये टूट ना जाए। चिकन के कोफ्ते मैंने पहली बार बनाए, हाँ जो बीफ के होते हैं वो मैं बना लेती हूँ, लेकिन चिकन के कोफ्ते आज मैंने पहली बार बनाए हैं, तो इनको टेस्ट करके बताएंगे ये लोग के कैसे बने। मजे के कोफ्ते भैया। तो ये मज़ेदार से कोफ्ते हमारे आ गए, ये देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं दोस्तों। तो चलिए ये टेस्ट करके बनाएंगे अभी। इसके साथ तो चलेगी तंदूर की रोटी। वो टेस्टी लग रहा है भाई। बहुत जबरदस्त भाई। हाँ भाग गई मजे के में। दोस्तों हम भी टेस्ट कर लेते हैं। तो आपको हमारी वीडियो जो है पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा बना के कैसे मैंने। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। तो चलो खा के देखते हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सही है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।